हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय किचन व्यूअर्स, आज मैं काले मसूर की दाल बनाने वाली हूँ, वो भी बिना किसी हेवी क्रीम के या बिना किसी पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स के। मैंने सारे सामान इकट्ठा कर रखे हैं, तो ये दाल बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली है और बहुत ही मज़ेदार भी, जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ। साथ ही मैंने इस दाल को बनाने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा कर रखी हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर को चॉप करके रखा हुआ है, यही हमारे दाल का मसाला बनने वाला है, यानी इसी की वजह से हमारी दाल क्रीमी होगी। और साथ में मैंने एक छोटे साइज़ का आलू रखा है, ये भी मसाला बनने वाला है, तो इसी की वजह से मैं इसमें क्रीम नहीं डालने वाली हूँ। सारे मसाले में मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च को चॉप करके रखा है, 3/4 टीस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं वो लहसुन अवॉइड भी कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून से भी कम लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून से कुछ ज़्यादा हमने हल्दी पाउडर लिया है, जो ज़्यादा पीला पसंद करते हैं वो हल्दी पाउडर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चुटकी गरम मसाला पाउडर लिया है, दाल में ज़्यादा गरम मसाला अच्छा नहीं लगता, तो आप उसे अपने पसंद के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार हमने नमक लिया है, नमक भी आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने धनिया के पत्ते का मोटा वाला जो स्टेम होता है वो स्टेम लिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं और दाल में ये साथ डालने पर गल जाएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और अलग से ये पता भी नहीं चलेगा, और इसकी बारीक पत्तियों को हम ऊपर से पकने के बाद सजावटी तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पर ये इस डब्बे से एक डब्बा भर कर हमने दाल लिया है, लगभग 100 ग्राम इसमें दाल नहीं बल्कि काली मसूर जो छिलके के साथ है वो हमने लिया है। यहाँ पर मैंने कुकर में धुली हुई मसूर डाला है, और इस दाल की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे इंस्टेंटली पका सकते हैं, यानी जब आपको विचार आए दाल बनाने का तब आप इसे बना सकते हैं, इसे पहले से सोक करने की ज़रूरत नहीं है, बस जब मन में आए तब आप इसे धोकर कुकर में डाल दें, और कुकर में इतना पानी डालें कि आपकी मसूर जो है वो पानी के नीचे चली जाए। तो यहाँ पर मैंने बस धोकर मसूर को डाला है, और अब इसमें जो मैंने मसाले इकट्ठा किए थे वो सारे मसाले और टमाटर को हमें इसमें डाल देना है। तो अब ये लगभग 2-2.5 कप मैंने पानी डाला है, अब इसे मैं हाई फ्लेम पर उबाल आने दूंगी, और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी। हाई फ्लेम पर पहली सीटी आने के बाद मैं फ्लेम को धीमा कर दूंगी और उसे इतनी देर तक इसे पकाना है कि दाल ये मसूर हमारी गल जाए, और इन सब चीज़ों में मुझे लगभग 10 मिनट का वक्त लगने वाला है। तो जब तक उधर मसूर बॉयल हो रहा है मैंने इधर तड़के का सामान निकाल लिया है, इसमें वही बेसिक सी चीज़ें हैं जो आमतौर से तड़के में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैंने 4-5 जो लहसुन की बारीक कतर लिया है और 2 लाल मिर्चों को मैंने टुकड़े में काट लिया है, ये कश्मीरी रेड चिल्ली है, इसकी पहचान ये है कि इसका बाहरी सतह रिंकल्ड होता है, आप कोई सी भी लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, और असल में ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती, मैंने पहले ही मिर्चों का इस्तेमाल किया है। 1/2 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है, और यहाँ पर मैंने 1 तेज़पात को काट लिया है, साथ में 1/8 टीस्पून हमारा हींग है, ये खड़ी दाल या मसूर के लिए अच्छा होता है क्योंकि ये बहुत अच्छा डाइजेस्टिव होता है और दाल को हजम कराने में इससे मदद मिलती है। तो इतनी चीज़ें मैंने निकाल कर रखी हैं, तो चलिए अब दाल की कंडीशन देखते हैं। सिर्फ 2 सीटी में ये दाल बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी है, अब ये जो आलू है मैं इसे दाल मथने वाली दलघोटनी से प्रेस कर दूंगी ताकि ये क्रीमी हो जाए। चलिए
आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। इसे गलकर बहुत ज्यादा बिखरना भी नहीं है, वरना दाल में वो टेस्ट नहीं आएगा। देखिए, तो अब यहाँ पर हम इसकी थिकनेस को एडजस्ट करेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये दाल बिल्कुल तड़के के लिए तैयार है। आप इसे हल्का सा मैश कर लें। अब तड़के के लिए यहां पर मैंने लगभग 3 टेबल स्पून घी इस्तेमाल किया है। अभी ये घी जमा हुआ है, यहां पर घी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें तड़के का सारा सामान डाल देते हैं। तो अब ये हमारा तड़का तैयार हो चुका है। यहाँ पर डाल देते हैं हींग और अब ये गया दाल में। लास्ट में यही तड़के की जान है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्रीमी वेलवेटी सा बेहतरीन खड़े मसूर की दाल बनकर तैयार है। अब आप इसे चपाती के साथ या नान के साथ परोस सकते हैं, और इस दाल को आप ज़्यादा भी खाएंगे तो ये हेवी नहीं लगेगा। सबसे आखिर में इस पर धनिया की पत्ती डाल लें। तो देखिए ये रेडी है। अब इसे गर्मा गर्म मेहमानों के सामने परोस ले। आप यकीन जानिए ये दाल इतनी मज़ेदार लगती है कि आप इसे सीधे चपाती से अकेला ही खा सकते हैं। साइड डिश की ज़रूरत भी नहीं होगी और मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आप इसे अब गर्मा गर्म परोस ले। तो इस गर्मा गर्म तड़के को बनाएं, खाएं, पड़ोसियों को खिलाएं, अपने नियर और डियर को खिलाएं, और अगर पसंद आए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।